राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों में छापेमारी के बाद बीजेपी द्वारा एक दिवसीय धरना राजभवन के समीप दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं यहां पर महानगर बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं और जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं पर आईटी का रेड चल रहा है, राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर जो आईटी का रेड पड़ा है उसके बाद बीजेपी द्वारा जो है यहाँ पर एक दिवसीय धरने का कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ गंगोत्री कुजूर जी है। मैडम, जिस तरीके से धीरज साहू के यहाँ छापेमारी होती है आईटी की, उसको लेकर के आप लोग का एक दिवसीय धरना है। जी, आप जान रहे हैं कि धीरज साहू कौन है? जो संवैधानिक अधिकार के तहत उन्हें राज्यसभा का सांसद, वो राज्यसभा के सांसद और उनके यहाँ इतनी बड़ी रकम का पाया जाना बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रुपए हैं अपने झारखंड के या झारखंड के अंदर वैसे जनता की है जिनकी गाढ़ी कमाई वहाँ पर तिजोरी में बंद करके रखा, ये पहली बात। दूसरी बात कि ये कांग्रेस सरकार की ये नीति रही है, इस बात पे आज पूरे उनके जो आला कमान है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी जी है, इनके सारे के मुंह बंद है। इस बात पर कहीं भी एक वर्ड बोलने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। यहाँ सीधे सीधे इस बात के लिए हम लोग धरना दिए हुए हैं कि जल्द से जल्द उन पर FIR दर्ज हो, उनसे पूछताछ की जाए कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से आया और त्वरित कार्रवाई हो इस पर। रतुल सहदेव जी भी हैं यहाँ पर, ये बताइए सर, जिस तरीके से एक दिवस से धरना आप लोग दे रहे हैं, सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी होती है जिसके बाद आप लोग इस तरीके का धरना जो दे रहे हैं, क्या कुछ वजह है? देखिए, ये आंकड़े जब हमारा बात कर रहे हैं तो ऐसी कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही है, माफ कीजिए अनकंफर्म रिपोर्ट्स हैं, कि ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और जो इमोबल एसेट्स है वो 1000 करोड़ रुपए का। अब 500 करोड़ कैश की बात सुन रहे हैं, और अभी तक जो कांग्रेस के नेता कहते थे कि कच्चे का व्यापार है, कौन सा कच्चे का व्यापार, 500 करोड़ का कैश, 10000 रुपए से ट्रांजेक्शन को रिजर्व बैंक ने बैन करके रखा है। तो हमारा मानना है कि इस बड़े जो पैसे का खेप बरामद हुआ है इसके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय, मुख्यमंत्री झारखंड के कार्यालय से जुड़े हुए हैं, और ED और CBI को पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट का फंड था और धीरज साहू तो सिर्फ मोहरे थे, जो असली इसके पीछे लोग हैं ना, सोनिया राहुल, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर बीजेपी द्वारा एक दिवस से धरना दिया गया है और इनका सीधा कहना है कि सरकार के पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है धीरज साहू एक मोहरा है, और ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी जो है ED से जांच कराने की मांग जो है वो कर रही है। साथ ही साथ पूरे झारखंड में बीजेपी द्वारा जो है एक दिवस से धरना आज दिया जा रहा है। अपने सभी सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।